नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश काबा। ये मैं वीडियो करीब 10 दिन के बाद ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि मैं छुट्टी पर गया था लेह लद्दाख। एनीवे, आज मंथली एक्सपायरी हुआ और 30 जून का आखिरी महीना भी हुआ। अब नेक्स्ट 6 मंथ्स का 2020 का कल से शुरू हुआ। मार्केट में एक गैप डाउन खुला, एक अपू मिला, लोअर लेवल्स मिले, फिर एक यहाँ पर बंद हुआ है ग्रीन में। मैं आपको बताता हूँ मुझे क्या दिखाई देता है। जब मैं चार्ट को देखता हूँ तो लगता है कि लार्जर टर्म टाइम फ्रेम चार्ट में ये एक चैनल बना हुआ है और रेसिस्टेंस यहाँ पर है। ये मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस जोन है। एक्चुअली उसको यहाँ कर देना चाहिए, रेसिस्टेंस जोन। यस, ये जोन ऑफ रेसिस्टेंस है, उस गैप में गया नहीं। ये जो अपमूव मिले हैं, देखा जाए तो ये रिएक्टिव अपमूव मिले हैं। और ये दो दिन का बार, एक आज का एक कल का था, ये अपमूव गया, थका हुआ अपमूव था, लोअर टॉप्स बने हुए हैं। यहाँ पर वीकनेस नज़र आती है मुझे स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती। क्वाइट पॉसिबल ये चैनल देखें तो ये ब्रीच हुआ है एंड में, हो सकता है लोअर लेवल देखें, शायद 33,100 का भी देखें बैंक निफ्टी में। ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो मेरे ख्याल से ये जो जोन है 33,500 का, ये पार करना पड़ेगा। ये पार करने के बाद ऊपर जाके अटकेगा 34,000 के आसपास, 33,900 के आसपास। तो रेसिस्टेंस तो ऊपर बहुत है, डाउनसाइड का चांस थोड़ा ज़्यादा है। ये रहा बैंक निफ्टी। चलो निफ्टी की बात करता हूँ। निफ्टी में देखा जाए तो लार्जर टर्म टाइम फ्रेम में चार्ट देखा जाए तो ये देखिए एक अप चैनल है, और ये अप चैनल में कोई ताकत नहीं है। और यहाँ पर जो गैप खुले हुए हैं, देखिए इतने बड़े गैप्स हैं, ये साइन ऑफ वीकनेस है। ये जो चैनल बना हुआ है इसमें लगता है कि अभी जो इसको मैं बढ़ा देता हूँ, लगता है कि यहाँ पर जो चैनल में वे वीकनेस है, सेलिंग प्रेशर बहुत है। अगर मार्केट को निफ्टी को ऊपर जाना है तो ये जो जोन है, मार्क करता हूँ मैं 15,900 का, इसके ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। ऊपर ट्रेड करेगा 15,900 के बाद तो कहाँ अटकेगा, 16,200, और उसके पहले 16,000 का भी तो पार करना है। वो साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है, तो मुझे लगता है ये इतना ईजी नहीं पार करना, हो सकता है लेकिन इतना ईजी नहीं। हाँ, अगर कल गैप अप खुलता है तो एक शॉर्ट स्क्वीज हो सकता है, लेकिन लगता है कि लोअर लेवल्स ओपन अप हो गए हैं। ये जो बार्स दिखते हैं मुझे, उसके हिसाब से लोअर लेवल आ सकते हैं। कहाँ तक, शायद ये जोन है 15,500 का, यहाँ तक आने की, स्लाइड होने की संभावना है। अब ट्रेड करा है, क्लोज हुआ है करीब 15,735 का लास्ट के। अभी एडजस्टमेंट के हिसाब से थोड़ा ऊपर हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि स्ट्रक्चरली में मार्केट में वीकनेस है, अपर रीजन्स में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। हमको ध्यान देना चाहिए, कॉशियस होना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड, ऐसा मुझे लग रहा है चार्ट देख के। अब क्या होगा, कल जो होगा वही होगा। लोग खरीदेंगे तो ऊपर जाएगा, लोग बेचेंगे तो नीचे आएगा। मार्केट तो वही करता है जो उसको करना है। हमको क्या करना है, हमको सिर्फ अपने पॉइंट्स रेडी रखने चाहिए और उसके हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि भाव भगवान है। मैं हमेशा कहता हूँ, ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक, ट्रेड द मार्केट्स नॉट द फोरकास्ट, हैप्पी ट्रेडिंग एंड जस्ट एंजॉय द राइड। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक नया चैनल बनाऊँ। ये जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊँ आप लोगों को रोज के लिए, वो एक पेड चैनल होगा। वो शायद 10-15 दिन में शुरू कर लूँगा, लेकिन जो भी ये पॉइंट्स हैं अच्छी तरह मैं आपको, मैं जैसे ये सब कुछ एनालाइज करता हूँ मार्केट एक डेढ़ मिनट, आपको भी उतना सिखा सकूँ कि आप भी एक डेढ़ मिनट में मार्केट को एनालाइज कर सकें। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको वो सिखा सकूँ कि एक मिनट में मार्केट कैसे एनालाइज करते हैं। वीडियो बनते हैं यूट्यूब में 20 मिनट के, 25 मिनट के, उससे क्या होता है, एक मिनट के अंदर कैसे मार्केट को एनालाइज करते हैं, मैं आपको वो सिखाना चाहता हूँ। उसके लिए शायद मैं एक पेड चैनल बनाऊंगा, लेट्स सी, देखें क्या होता है, मन में विचार है। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।